नमस्कार प्रणाम भैया, मैं आपका लोग गायक नीरज कुमार पाली। अभी हम लोग यूपी के कन्नौज जिले में हैं, 100 सही अस्पताल में। और बहुत दुख की बात है कि हमारी लोक गायिका जूसी रानी एक छोटी सी बच्ची है। दिल्ली से शूटिंग करके हम लोग बिहार लौट रहे थे और इसी दौरान हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जूसी रानी जी थी और भी तमाम कलाकारगण थे, लेकिन इनके मामा जी का देहांत हो गया। और एक्चुअल में क्या हुआ था वो चूँकि मैं था नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, हम सब पूरी टीम अभी आए हैं। जूसी जी वहाँ पर थी, आइए उन्हीं से सुनते हैं क्या हुआ था। जूसी, पूरा वाक्य बताओ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, दर्शक को बताइए। हम लोग खाना खाकर आ रहे थे, रास्ते में हम सब सो गए, मामू आर का जगह हुआ था, रास्ते में टायर फट गया तो हम सबको उठाने लगा, हम सब उठ गए, तीनों आदमी हम चल गए 5 मिनट के लिए, यही वहीं पर खड़ा हुआ था। तब ये हम आए ना, इसमें से चक्का निकाला, चक्का खोला गाड़ी का, इट्टा हेरने लगा। चक्का कौन खोला? ड्राइवर साहब। अच्छा, ड्राइवर साहब चक्का बदलने लगे। हाँ ठीक, चक्का खोल कर इट्टा हेरने लगा, इट्टा दिया वहाँ पे, गाड़ी उठाने वाला कोई नहीं था, लोग को हेल्प करने के लिए बोला, लोग को हेल्प करने के लिए बोला तो कोई नहीं रुका, तो ये थोड़ा सा उठाया इट्टा, उसमें दे दिया, चक्का लगाने वाले ही थे। उधर से मेरा मामू पाछू में बैठा हुआ था, ड्राइवर साहब चक्का लगा रहा था, दो ठो आदमी वहीं पे खड़ा हुआ था, यहाँ से ट्रक जा रहा था, जब ऐसे घूरा ना, देखा यहाँ पे जा रहा था उस तरफ, देखा जब ऐसे पर लोग बैठा हुआ है तो इस तरह से कर लिए, छोटा नाना कार वाला गाड़ी था वो वहीं पे रुक गया, ये हम सबको एक्सीडेंट करके चला गया गाड़ी वाला। कौन गाड़ी एक्सीडेंट किया था? ट्रक, मेरे बड़ा वाला ट्रक था। हाँ, मेरे मामू को देह पर चढ़ा कर चल गया, मेरा मामू इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बहुत बहुत दुख की बात है कि हमारी गायिका का मामा इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा, ड्राइवर साहब को चोट लगा था? ड्राइवर साहब को कमर में चोट लगा था। अच्छा, वो क्या टायर बदल रहे थे? हाँ। अच्छा, मामा जी क्या कर रहे थे आपके? वहीं पे बोल बाल रहे, टॉर्च बाल के खड़े थे, उधर से ट्रक वाला आया और उन्होंने टक्कर मार के चला गया, तो इसका मतलब गाड़ी खड़ा था, ये लोग टायर पंचर हो गया था, ये लोग टायर बदल रहे थे, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद टायर बदल रहे थे, मैंने कैसे, मामा जी वहीं ख़त्म हो गए थे या हॉस्पिटल आते आते ख़त्म, क्या हुआ था उसके बाद? वहाँ से आए एम्बुलेंस वाला आया, वहाँ पे चढ़ाए गाड़ी पे, आने यहाँ पे पहुँचने वाले थे, मामा का दम छूट गया रास्ते में। एम्बुलेंस को कौन बुलाया था? ड्राइवर साहब बुलाए थे। तो दो आदमी को ज़्यादा चोट लगा था, आपके मामा जी को और ड्राइवर साहब को, तो फिर ड्राइवर साहब ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया था। अच्छा, आपको भी चोट लगा है? हमको नहीं लगा। अच्छा, आप उधर साइड में खड़े थे। अच्छा, मामा जी का क्या नाम था? ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे मैथिली इंडस्ट्री को, क्या हो गया पता नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे राइटर इस दुनिया में नए हैं और हमारे राइटर नहीं रहे, और इसके बाद बड़ी दुख की बात ये सुधीर सम्राट नाम के सुधीर सम्राट जी थे, उनकी कैंसर से डेथ हो गई। अभी हमारी इतनी बहुत प्यारी लोक गायिका है, इनकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन है, BNS से गाती हैं और भी बहुत तमाम तरह के कंपनियां से गाती थी, हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, बच्ची आगे बढ़े, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, इनके मामा जी इस दुनिया में नहीं रहे। और कुछ बोलना चाहेंगे बाबू? ये दुख है, और ये वीडियो अगर आपके बीच पहुंच रही है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हम लोग अनजान जगह पे हैं, यहाँ लगभग बिहार से 800 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे हम लोग का कोई जानकार नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जैसे ही हमारे लोग गायक बलसेदर चौधरी जी ने सुना कि इस तरह की घटना हुई है, तुरंत दौड़े दौड़े आए, सबको सबसे मिल रहे हैं, सबसे जुड़ रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके जो हमारा डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करके बिहार के लिए भेजा जाए, और इस बच्चे के लिए प्रार्थना करिए आप सभी दर्शकगण की इनको हिम्मत मिले, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनती बच्ची है। और मैं चाहूँगा इसके साथ साथ मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे लोक गायक बंसीधर चौधरी जी, जिन्होंने जैसे ही सुना तुरंत दौड़े हुए, सारा काम छोड़ करके, शूटिंग छोड़ के आ गए आपके बीच। और बंसीधर चौधरी जी ये कुछ बोल नहीं पा रहे, इनके अंदर इतना दुख है कि
चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हमारे जेके यादव सर, राइटर भैया, ड्राइवर साहब, सभी लोग हैं। अभी हम लोग उस थाने में हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस चौकी, सैया अस्पताल, कोतवाली, ठिकरा गांव, कन्नौज, कन्नौज में हम लोग हैं इस टाइम। और ये जो दुर्घटना हुई है, हम लोगों की डेड बॉडी यहीं पे है। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप छिमराव में हैं, हम लोग छिमराव कन्नौज, छिबरामऊ कन्नौज में, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। 100 सैया अस्पताल में ये डेड बॉडी रखा हुआ है, प्लीज़ इसको शेयर करें मेरे दोस्तों।